नमस्कार, मैं योगेश राणा। 21 जनवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ता एक थिएटर में घुसे और पठान फिल्म के पोस्टर फाड़कर उनको आग के हवाले कर दिया। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि फिल्म पठान रिलीज होने वाली है, क्या फिल्म के शो की सुरक्षा को लेकर कोई सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, क्या शाहरुख खान से कोई बात हुई है। इस पर मुख्यमंत्री साहब ने दो लाइन में जवाब दिया, शाहरुख खान कौन है, मैं उनके या फिल्म पठान के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। खान मुझे फोन करेंगे तो मैं फिल्म की सुरक्षा को लेकर देखूंगा। देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि यह कह रहे हैं कि शाहरुख खान को नहीं जानते, उनकी फिल्म पठान को नहीं जानते, तो इसे एक तरह से शाहरुख खान और उनकी फिल्म का बायकॉट ही कहा जा सकता है। यह 21 जनवरी की बात है और 22 जनवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा खुद एक ट्वीट करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता श्री शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और हमने आज सुबह 2 बजे बात की। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई एक घटना की चिंता जताई। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम है, कर्तव्य है। हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। अब दो बातें एकदम साफ है। पहली बात, असम के मुख्यमंत्री के बारे में यह कहा जाता है कि वो अमित शाह के बेहद करीबी है, लेकिन हाल ही में दिल्ली में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्मों के बहिष्कार न करने की सख्त हिदायत दी थी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, तो फिर असम के मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि शाहरुख खान कौन है, मैं उन्हें नहीं जानता हूं, तो इसे फिल्म का बायकॉट ही तो एक तरह से कहा जा सकता है। वो किसी शाहरुख खान को नहीं जानते हैं, यानी वो जैसा कि मैंने कहा एक तरह से शाहरुख खान और उनकी फिल्म का बायकॉट ही कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब वो शाहरुख खान की फिल्म का बायकॉट कर रहे थे तो उसी पर कायम रहते, जिस शाहरुख खान को वो जानते भी नहीं है उनका फोन सुबह 2 बजे सुनने की जरूरत ही क्या थी। वो मुख्यमंत्री है, सुबह 2 बजे अगर किसी का फोन अटेंड करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण फोन ही होगा। क्या ऐसे आदमी का फोन वो सुबह 2 बजे सुनते हैं जिनको वो जानते भी नहीं है, और उनसे वादा करते हैं कि फिल्म और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा की जाएगी, और यह जानकारी ट्वीट करके खुद ही सार्वजनिक भी करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री को उनकी हरकत के लिए किसी ने फटकारा है। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने तो यह ट्वीट करना चाहिए था कि मुझे आज सुबह 2 बजे किसी शाहरुख खान का फोन आया जिनको मैंने यह कह दिया कि मैं आपको नहीं जानता, इसीलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा ट्वीट नहीं किया, उन्होंने सिनेमा घरों में रिलीज हो रही पठान फिल्म की सुरक्षा का वादा किया। अब पता नहीं बजरंग दल के लोग हिमंता बिस्व शर्मा के बारे में क्या सोचते होंगे, आखिर मुख्यमंत्री साहब एक ही दिन में इतने कैसे बदल सकते हैं। यह बात बजरंग दल के लोगों को चुभ तो रही ही होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।